मशरूम सूप बनाने के लिए मैंने ऑयस्टर मशरूम्स का ये पैकेट ले लिया है फ्रेंड्स। ये ड्राइड ऑयस्टर मशरूम्स है, ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं इसके लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके ये खरीद सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पैकेट खोलते हैं तो ये इस प्रकार से दिखते मशरूम्स है, ये ऐसे दिखते हैं, ये एकदम सूखे हुए होते हैं। हमें रेसिपी बनाने के लिए कुल मिलाकर 6 ग्राम चॉप किए हुए ऑयस्टर मशरूम्स लेने हैं। अब मैं एक बड़ा बोल ले लेती हूँ और उस पर मैं छन्नी रख देती हूँ। मैं इसके अंदर 15 ग्राम क्रीम एंड अनियन पाउडर डाल दूंगी, 12 ग्राम मिल्क पाउडर, 6 ग्राम कॉर्नफ्लावर, 1 ग्राम व्हाइट पेपर पाउडर, 6 ग्राम वेजी पाउडर और 2 ग्राम पाउडर शुगर, 4 ग्राम सॉल्ट ऐड करके मैं सारी सामग्री को अच्छे से छान लूंगी। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी। सारी सामग्री बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 ग्राम पार्सले डालूंगी। ये ड्राइड पार्सले है, आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप ये बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। 2 ग्राम ड्राइड गार्लिक, इसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब जो हमने 6 ग्राम चॉप्ड मशरूम्स रेडी रखे थे, मैं वो मशरूम्स को इसमें डाल दूंगी और 3 ग्राम अजीनोमोटो डालकर सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी। सारी सामग्री बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर एक चुटकी साइट्रिक एसिड डालूंगी। ये सारी सामग्री मिलाकर हमने जो प्रीमिक्स तैयार किया है उससे कुल मिलकर 70 ग्राम प्रीमिक्स तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसमें से सूप बनाकर दिखा देती हूँ। सूप बनाने के लिए मैं केवल 35 ग्राम प्रीमिक्स लूंगी और उसके अंदर मैं डालूंगी 300 कप्स वाटर। देखिए फ्रेंड्स, ये 200 ml का मेजरिंग कप है, मैं उसी नाप में से पहले 200 ml डालूंगी और फिर 100 ml डालूंगी। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी और फिर हम इसे गैस पर कुक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा सा कुक कर लूंगी और फिर मैं इसके अंदर 100 ml पानी और डाल दूंगी। हमने ये रेसिपी को बनाने के लिए कुल मिलाकर 400 ml पानी का उपयोग किया है। मैं ये सूप को अच्छी तरीके से बॉईल कर लूंगी। फ्रेंड्स, हमें इसे थोड़ा ज़्यादा बॉईल करना है क्योंकि जो मशरूम्स है उसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारा सूप बढ़िया तरीके से तैयार है, पर दोस्तों इसकी एक टेक्निक है, आप इसे सर्व करें उसके पहले आपको इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है, क्योंकि जो ड्राइड मशरूम्स होते हैं वो थोड़े देर पानी में रह के रिहाइड्रेट होते हैं। तो हम इसे जब ये सूप गर्म हो तभी ही इसे ढक कर 10 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी यम्मी एंड वेरी वेरी डिलीशियस मशरूम सूप जो कि हमने प्रीमिक्स से बनाया है बनकर तैयार है।